एग्जांपल इसका ये है कि देश अपने कंपोनेंट में 50 से ऊपर कंपोनेंट हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आई और उसमें वो आत्मनिर्भर कैसे हैं उनकी और स्केल अप कैसे करो। आगे आने वाला चैलेंज है कि भारत ग्लोबल फैक्ट्री बनने वाला है, अब चीन नहीं रहेगा, भारत बनेगा ग्लोबल फैक्ट्री, तो उसके लिए तैयारी कैसे होनी है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे तैयार करना होगी, उस पर आइए का ये मालूम भी हुआ। और ये कंपोनेंट इंडस्ट्री है जिसमें कई चीज़ें नहीं लगाई गई, सोलो के ऊपर, शूट के अपर के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग, चमड़े के ऊपर भी डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है, सोल के ऊपर भी डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है, आप बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, इनका सारा जो मनन हो रहा है। मुझे लगता है कि जो गोल है इंडिया की जो इंडस्ट्री अभी तक 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, दुर्गा इंडस्ट्री उसको 40-50 बिलियन तक हुई है, क्योंकि अभी तो एक आदमी एक जुटा है पूरी, अभी जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है एक आदमी 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये भी खरीदेगा तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना, विश्व की बहुत बड़ी बात है, 200 बिलियन डॉलर की मार्केट है जिसमें हमारा 6 बिलियन डॉलर है, अभी उन संभावना को यहाँ तलाशा जा रहा है, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए और आगे भी और से और होते रहे।